रश्मि देसाई के बिग बॉस में एंट्री करने से पहले मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि रश्मि देसाई और अरहान खान बिग बॉस में एक साथ एंट्री करेंगे और बिग बॉस के अंदर अपनी शादी रचाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अकेली रश्मि ने घर में एंट्री ली। सलमान ने जब रश्मि की एंट्री पर पूछा कि अरहान कहाँ है, तो इस खबर को रश्मि ने झूठा ठहरा दिया था। इसके बाद रश्मि को घर से बेघर कर दिया गया था और इतने दिन से रश्मि और देवोलीना लग्जरी होटल में रह रही थी। इसी बीच घर में अरहान खान की वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू एंट्री हुई और उस समय रश्मि घर में नहीं थी। और अरहान से जब इस बारे में पूछा गया तो अरहान ने इस बात को बिल्कुल साफ मना कर दिया कि ये सब बकवास है। और तब से लेकर अब तक अरहान ने अपना निशाना सीधा सिद्धार्थ शुक्ला को बना रखा है। सिद्धार्थ को अरहान हर बात में टारगेट करते हैं, चाहे वो बात कुछ भी हो। लेकिन अब रश्मि के घर में दोबारा से एंट्री करने पर ये पूरी गेम ही पलट गई। जैसे ही रश्मि और देवोलीना ने घर में एंट्री की, सभी घर वाले उनसे मिलने पहुंचे और यहां तक कि नए कंटेस्टेंट्स ने भी उन दोनों का स्वागत किया। जैसे ही अरहान खान को रश्मि ने देखा, रश्मि ने अरहान को हग कर लिया और कहा कि तुम इधर आओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। रश्मि बहुत प्यार से अरहान को गले लगा लेती है। अब देखना ये है कि घर में ये दोनों एक साथ मिलकर सिद्धार्थ को किस तरह अपना टारगेट बनाते हैं। और अब ये दोनों एक साथ घर में रहेंगे तो और क्या क्या धमाल होंगे। जैसे आते ही रश्मि ने अरहान को इतने प्यार से हग कर लिया, तो अब ये दोनों ऐसे ही रहेंगे तो सिद्धार्थ का ये सब देखकर क्या रिएक्शन होगा। इन सब सवालों के जवाब सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब और यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।